भारतीय रेल 12 मई से चरणबद्ध तरीके से पैसेंजर ट्रेन्स का परिचालन फिर से आरंभ कर रही है। ये ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन्स के रूप में 15 डेस्टिनेशंस के लिए चलेगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में एसओपी जारी की है, जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है, उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमैटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा।